नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अच्छे होंगे। डोमेन सेलेक्शन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो है डोमेन सेलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसा होना चाहिए, किस तरह से आपको जो है डोमेन को सेलेक्ट करना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है कि आपको डोमेन को बुक करते वक्त, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपकी खुद की एक वेबसाइट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बार एक वेबसाइट के ऊपर जो है आपको सक्सेस मिलने लग जाए, आपके प्रोडक्ट सेल होने लग जाए, जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद जो है आप मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए भी जा सकते हैं। तो इसका एक डोमेन सेलेक्शन करने का, डोमेन को रजिस्टर करने से उसका एक सेलेक्शन का प्रोसेस होता है कि कौन सा डोमेन नेम जो है हमें चाहिए है। तो ये जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सो दोस्तों, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल वर्ल्ड बाय मंजीत सिंह, जहां पर मैं आपको सिखाता हूं एफिलिएट मार्केटिंग एंड डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल पे। सो दोस्तों, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाने से पहले जो है उसका एक चाहिए होता है डोमेन नेम। अब व्हाट इज डोमेन नेम? डोमेन नेम जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मुझे बताना होगा कि अगर कोई भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते तो उसका एक हम नाम रखते हैं, तो वैसे ही जैसे अभी यहां पे facebook.com जो है वो फेसबुक के लिए कंपनी के लिए क्या हो गया, उसका एक डोमेन नेम हो गया। google.com जो हो गया ये एक google की जो कंपनी है उसके लिए, ये google.com जो है वो उसके लिए क्या बन गया, एक डोमेन नेम बन गया। nirankariinfotech.com जो है ये मेरी कंपनी निरंकारी इन्फोटेक के लिए क्या बन गया, एक ऑनलाइन डोमेन नेम बन गया, जिसके जरिए जो है आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे डोमेन नेम जो है वो सिलेक्शन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि आपको अपनी वेबसाइट का नाम यानी कि डोमेन नेम जो है वो क्या रखना है। डोमेन नेम को सेलेक्ट करने से पहले हमें सबसे पहले अपनी जो निश वगैरह है वो हमने सर्च कर लिया है, कौन सी निश के ऊपर काम करना है वो सब तो ठीक है, वो सेपरेट है, लेकिन बहुत सारे चैनल्स के ऊपर ये चीज बताई जाती है कि आपकी जो भी निश है उससे बिल्कुल सिमिलर ही आपको डोमेन नेम रखना चाहिए। बट यहां पे जो है एग्जांपल के लिए से, फॉर एग्जांपल आप यहां पे कोई रेफ्रिजरेटर कैटेगरी एक आपने सेलेक्ट करी है तो आप रेफ्रिजरेटर को क्या करने जा रहे हो कि यहां पे आप पूरा एफिलिएट मार्केटिंग उसके जरिए करने जा रहे हैं। तो यहां पे जो है आपके डोमेन नेम जो है वो कुछ बताए जाते हैं आपको कि bestrefrigerator.com वगैरह जो है आप इस तरह से रख ले। लेकिन ये एक गलत प्रोसेस है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए क्या है कि आपका डोमेन नेम जो है, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे आप जो भी आपका क्राइटेरिया, जो भी आप प्रोडक्ट डाल रहे हो तो वहां पे आपका क्या है, एग्जैक्ट मैच डोमेन नहीं होना चाहिए। जो भी आप चीजों को सेल कर रहे हो एग्जैक्ट मैच डोमेन नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट मैच डोमेन कहने का मतलब है, से फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया कि रेफ्रिजरेटर का, तो यहां पे आपकी वेबसाइट का नाम बना bestrefrigerator.com, ये आपकी वेबसाइट का नाम हुआ। लेकिन कभी भी आप आगे चल के इसमें कोई भी एक आर्टिकल पोस्ट करो तो उसका यूआरएल आप क्या बना रहे हो, वापस से आप बेस्ट रेफ्रिजरेटर बना रहे हो। तो यहां पे आपका जो है यूआरएल क्या बनेगा, यहां पे bestrefrigerator.com/bestrefrigerator। तो यहां पर क्या है कि आपका डबल हो रहा है, यानी कि डुप्लीकेसी आपकी यूआरएल के अंदर बार बार हो रही है। तो ऐसे में जो है हो सकता है कि आपको जो है आपके इस डोमेन के ऊपर पेनल्टी लग जाए। तो पेनल्टी एक बार लगा दी सर्च इंजन्स ने तो आपका जो है रैंक नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे इस तरह से जब अपन बार बार बहुत ज्यादा कीवर्ड्स को स्टफ करते हैं तो यहां पर क्या है कि डुप्लीकेट कंटेंट के लिए या फिर जो है आप ज्यादा कीवर्ड्स का इस्तेमाल करने से जो है एक ब्लैक हैट एसईओ होता है, वो क्या है एसईओ वगैरह अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट आपका एग्जैक्ट मैच डोमेन नहीं होना चाहिए। अब से फॉर एग्जांपल आप रेफ्रिजरेटर को अगर आप बुक करके चल रहे हो तो आप यहां पे डोमेन ले सकते हो myprizewar.com, या फिर आपने बहुत सारे ऐसी वेबसाइटें देखी होंगी pricebaba.com, राइट। तो यहां पे 91mobile.com, अब यहां पे इन्होंने ये ऐसे नाम क्यों लिए जो उनके एग्जैक्टली वो चीजें सेल कर रहे हैं जिनको वो एफिलिएट कर रहे हैं। जो मैंने अभी आपके सामने नाम लिए ये एग्जैक्टली ये वेबसाइटें क्या कर रही हैं, एफिलिएट प्रोग्राम कर रही हैं, एफिलिएट के जरिए ही वो लोग अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन
यहां पे उन्होंने नाम क्या रखा, 91mobile.com। अब ऐसा कोई bestmobile.com भी तो रख सकते थे, लेकिन एग्जैक्टली वो चीज मैच नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए यहां पे क्या है, एग्जैक्ट मैच डोमेन आपको नहीं रखना है, उससे हटकर कुछ नाम रखना है। से फॉर एग्जाम्पल आप मैट्रेस सेल कर रहे हो, तो आप मैट्रेस में क्या रख रहे हो, bestmattress.com रख सकते हो, bestwinmattress.com आप सेलेक्ट करते हो, पर ये प्रोसेस जो है आपका गलत है, एग्जैक्ट मैच नहीं करना चाहिए। आप यहां पे क्या कर सकते हो कि यहां पे बेस्ट या mydream.com, तो या फिर आप रख सकते हो यहां पे से happydreams.com। तो यहां पे ड्रीम से बात आ रही है, राइट। आप ड्रीम कब आता है आपको, जब आप सोते हो, तो यहां पे मैट्रेस से रिलेटेड आपने क्या बना दिया, ड्रीम का ले लिया यहां पे, राइट। तो आप उसके आगे, ड्रीम के आगे कुछ बेस्ट लगाओ, हैप्पी लगाओ, जो भी लगाओ आगे पीछे लगा के आप बना सकते हो। अब ऐसे में अगर आप वहां पे बेस्ट मैट्रेस को सेल करोगे, तो ये वापस से आर्टिकल लिखोगे, तो उसका यूआरएल क्या होगा, से फॉर एग्जांपल आपने लिखा हैप्पी ड्रीम्स डॉट कॉम आपने लिया डोमेन का नेम, लेकिन स्लैश में आपने क्या करा, जब आर्टिकल बना तो उसका यूआरएल क्या बनेगा आपका, happydreams.com/bestmattress या बेस्ट ट्विन मैट्रेस। तो इस तरीके का ये क्या है कि आपके डुप्लीकेट आपके यूआरएल के अंदर जो है कीवर्ड्स जो आपके हैं वो डुप्लीकेट नहीं होंगे। तो ये जो है एफिलिएट मार्केटिंग के डोमेन के लिए जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो चीजों को आप सेल कर रहे हो एग्जैक्ट मैच आपको उसका नहीं लेना है। जब आप एग्जैक्ट मैच नहीं लोगे तो आप फ्रीली जो है क्या कर सकते हो, जितने भी आपके आर्टिकल्स वगैरह हैं वो आप अपने उस डोमेन के अंदर जो है बना सकते हो, लिख सकते हो आर्टिकल उनके ऊपर, और उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यूआरएल बना सकते हो, ताकि आपका डुप्लीकेसी भी नहीं होगा। तो ये है आपका प्रोसेस डोमेन नेम को सिलेक्शन करने का। तो डोमेन नेम सिलेक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम जो है वो नहीं बुक करना है। तो आप उससे रिलेटेड कोई भी और मिलता जुलता रख सकते हो, या कोई एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो, ताकि जो है आपका जो एग्जैक्ट कंटेंट है वो उसके साथ में दोबारा से यूआरएल के अंदर डुप्लीकेसी ना हो सके, और जब डुप्लीकेसी नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट पे किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी सर्च इंजिन के द्वारा, और जो है आप आराम से अपने आर्टिकल्स को रैंक करवा पाओगे। तो दोस्तों यहां पे बात हो गई अभी डोमेन नेम की, क्या प्रोसेस होना चाहिए, डोमेन नेम क्या है ये तो मैंने बता दिया। अब डोमेन नेम के साथ साथ आपको रिक्वायरमेंट होती है होस्टिंग की, आपको एक ऐसा स्पेस चाहिए होता है जहां पे आप अपने कंटेंट को ऑन वर्ल्ड पे, मतलब ऑनलाइन जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर रीच करने के लिए उसको आप वहां पे रख सको। तो ऐसे में जो है आपको होस्टिंग के लिए चाहिए होगी, बेस्ट होस्टिंग लेना, या फिर आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट वैसे तो अवेलेबल है जहां पे आप होस्टिंग पैनल ले सकते हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ बहुत ही कम प्राइस के अंदर अगर स्टार्ट करें तो ज्यादा पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करना, मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट ना करें। मैं आपको बताऊं यहां पे अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट जो है अगर आप बनाना चाहते हैं जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, तो वहां पे आपका मिनिमम से मिनिमम जो है आपका 1500 या 1700 के करीब जो है आपका एक एक्सपेंस आएगा, जिसमें आपका डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन भी होगा और एक साल का कंप्लीट आपको SSL के साथ में जो है सर, आपका SSL बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। SSL क्या होता है ये अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। SSL सर्टिफिकेशन के साथ में जो है आपको होस्टिंग जो है प्रोवाइड करी जाएगी, और उस होस्टिंग का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, यानी कि अगर आप होस्टिंग भी लेना चाहते हैं बहुत ही कम प्राइस के अंदर जो है आप यहां से होस्टिंग बाय कर सकते हैं। सो दोस्तों आई एम श्योर कि वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये कंप्लीटली पता चल गया होगा कि आपका एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो है डोमेन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, और होस्टिंग में आपको एक तो SSL सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है ताकि आपका जो सर्च इंजिन है वो ट्रस्ट गेन कर पाए, या फिर जो आपके विजिटर हैं वो भी आपकी उस वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट जो है बना पाए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो उसका लिंक भी आपको होस्टिंग का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डोमेन नेम जो है कहीं पर भी बुक कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा गोडैडी पे आप कर लें, वहां पे बहुत कम प्राइस के अंदर जो है आपको डोमेन नेम मिल जाएगा, और होस्टिंग जो है नीचे डिस्क दिए गए लिंक के द्वारा आप रजिस्टर कर लें, तो 1500 रुपए भी आपके कंप्लीट नहीं लगेंगे, उससे कम के अंदर ही आपका पूरा एक डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन और आपका होस्टिंग
होस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों अभी आगे इसमें आपको वेबसाइट में इंस्टॉलेशन कैसे करना है, किस तरह से आपको कौन कौन से प्लगइन्स, मैं आपको सिखाऊंगा वर्डप्रेस के ऊपर, क्योंकि यहां पे जो है आपको कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो आने वाले वीडियो में जो है आपको ये सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं। आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे साइड पर सब्सक्राइब का बटन दबा के आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।